तो गाइस थगेश ने रोस्ट किया है डॉली चाय वाले को। तो अभी हाल ही में थगेश ने अपने चैनल पर एक न्यू वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे उन्होंने जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोज किया है। तो उसी के साथ साथ उन्होंने डॉली चाय वाला को भी रोस्ट कर दिया क्योंकि डॉली चाय वाला भी हाल ही में दुबई गए थे और वहाँ पे वो गए थे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए डॉली चाय वाला को रोस्ट किया है थगेश ने। एक वन साइड टिकट क्या करवा दी डॉली भाई से, पूरे साल का कॉन्टेंट निकलवा लिया, खुद की टपरी पे इससे कम गधा मजदूरी करता रहेगा वो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एबीसीडी में कितने वर्ड होते हैं? 26। रॉन्ग है। एबीसीडी में कितने वर्ड्स होते हैं? रोज सुबह जब उठता हूँ ना सारी डिग्रीज को आग लगाने का मन करता है मेरा। हाँ, इतना इंटीग्रेशन अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, अल्फाबेट्स को वर्ड्स बोलने वाला फेमस हो रहा है। रॉन्ग है। जमजम इलेक्ट्रॉनिकल में आइए जरूरी, आप आज जमजम इलेक्ट्रॉनिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसको तो ब्रांड का नाम भी नहीं मालूम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स याद नहीं रख सकता है। इनको तो ऐसा लग रहा है डॉली को इसलिए बुलाया क्योंकि ये लीक है, ये लीक है कि आईफोन 16 का कलर डॉली के बालों जैसा होगा। तो गाइस कैरी मिनाटी ने रिएक्ट किया है रजत दलाल के ऊपर। तो अभी हाल ही में वो लाइव आए थे अपने यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहे थे। तो उनके फ्रेंड गरीब ने उस लाइव में कुछ ऐसा बोल दिया जिसको सुनने के बाद कैरी मिनाटी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ ऐसी चीज कर दी जिसको देखने के बाद उनके सारे फैंस बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए। ओए रजत, क्या नाम इसका, रेज देख ले भाई। नहीं दे रहा था, बॉट भी नहीं मिले भाई एक अभी तक। मैंने एक किल कब लिया? अच्छा ले लिया। गरीब रेज बोल रहा था। तो गाइस टेक्निकल गुरुजी मिले थे जाकिर खान से और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फनी रील अपलोड किया जहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा कि दोस्तों गर्मी बहुत है लेकिन पिघलना नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि दिन भर खूबसूरत हसीन लड़कियों को मना कर करके थक कर घर जाते हुए दो सख्त लौंडे। तो भाई जाकिर खान का सरकेज्म तो अलग ही लेवल पर चलता है यार। तो गाइस क्या थाराभाई जोगिंदर बिग बॉस OTT 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? क्योंकि कुछ बिग बॉस OTT की खबरों से ये पता पड़ा है कि थाराभाई जोगिंदर की बातें चल रही है बिग बॉस की टीम से और हो सकता है कि वो बिग बॉस OTT 3 में पार्टिसिपेट करे। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप थाराभाई जोगिंदर को देखना पसंद करोगे बिग बॉस में।